आदाब, इस बैठक में एक बार फिर खुश आमदेद। बातें तो बहुत सी करने की हैं और हमने कहनी भी है, लेकिन आज जो दूध की अरे बात एक हो मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, जरा तमीज है कि नहीं? कोई बड़ी बैठी हुई है जी कैमरे के सामने। कहाँ है जी कैमरा? इधर। हाँ जी, ठीक है ठीक है, शक्ल सही आ रही है हमारी। हमें करेंगे ओपनिंग, जे अम्मा नहीं भी करेगा आज से। अरे बस बहुत बोल रही है, कहीं देखा है बड़ा ये चुप क्या ले बैठा आई हो है? तुम? चुप कर जाओ हाँ, ये ना कहाँ मिली थी तुम्हें? भाई, उसको बोलो कोई ना, नहीं क्या करने कहता, देता मेरी बच्ची को खुली ओपनिंग करने देता है? ये तुझे मिली कहाँ नहीं नहीं थी? अम्मा, ये सीनियर है अच्छा ना। अब चुप हो जाओ भाई, हाँ प्रोग्राम चल रहा है, तुम लोग बीच में क्या बात करने अच्छा, शुरू जो हो गए? करिए आप आप कर लीजिए, करें। आप अच्छा, कर लीजिए। हमने तो भाई बात बस यही है, हम यहीं से शुरू करेंगे कि इफ्तिखार जो है वही हमें सबसे ज्यादा पसंद है। गबरू अम्मा जवान। मुंह उधर कर लो, अम्मा साइड पर गबरू साइड बहुत जवान, अच्छा हाँ आएगा। हाँ गबरू अम्मा जवान। मुंह उधर कर लो, नहीं साइड यार, बहुत तू अच्छा आएगा। चाहता है कि मेरा शक्ल ठीक नहीं आए? नहीं भाई, मैं तो कैमरे में देख, नजर आ रहा है ना भाई? अच्छा अच्छा इधर सही, देख लो, इधर इधर कितना हाँ, यहाँ जाएगा। पे अच्छा आपका अच्छा भी। गरीब से अच्छा आएगा। सही, तो जी भाई बात ये है कि वो बेचारा हमें बहुत पसंद है, किसकी बात हो रही और ये है? इफ्तिखार की अपने, कौन इफ्तिखार? इफ्तिखार को नहीं मामू है, जानते? पप्पा यहाँ पे कौन है? अभी पता चल जाएगा, पूरी बात सुन लो जरा, अच्छा बीच में टोका नहीं करो अम्मा को। हाँ, तो इफ्तिखार जो है बस बेचारा अपनी दिलो जान से सुबह शाम, मुझे लगता है बेचारा सो नहीं रहा, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए उसके, केस पे केस सॉल्व कर रहा आप है। चीफ जस्टिस साहब की बात कर जी रही हैं? बिल्कुल वही, अब हमसे तो छोटा है ना, हम तो चीफ जस्टिस नहीं बोलेंगे उसको, इफ्तिखार ही बोलेंगे। तो वो बेचारा, लेकिन मसला उसके साथ, बेचारे के साथ ये है कि ये जो कौम है हमारी, इतने बेचारे पे बोझ डाला है, हर रोज एक नया केस, एक नया केस आगे में लग जाता है। बेचारा मेरा बच्चा पिछला केस भूल जाता है। अब जरा बताओ बेटा, कितने केस हैं पेंडिंग में? मतलब कितने वो केस हम हैं पेंडिंग में? भाई लिस्ट नहला आई थी कल, लेकिन केसेस की ये कहते हैं जी, एक स्टील मिल का केस है, अच्छा PIA का केस है, रेलवेज का केस है, हबीब बैंक का केस है, बैंक ऑफ पंजाब का केस है, NRO का केस है, मेमो गेट है, मेहरान गेट है, मिसिंग पर्सन्स का केस है, LPG के ठेकों का केस है, NLC का केस है, बाबा रवान साहब का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बाबा रवान तो आपके पसंदीदा चील की शक्ल वाला, उसको तो मैं जी छोड़ूंगी नहीं। और वजीर आजम गिलानी साहब का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, जी उनकी भी आप बड़ी आशिक हैं, देखो गबरी जरा, जवान है ना। नहीं वो तो बिल्कुल ही गबरू और जवान रेंटल है पावर आपके राजा परवेज अशरफ, जिनकी वजह से आई, बिजली उसको आपके तो बहुत। बहुत मच्छर काटेंगे देखना जेल में। जे मोटे मोटे जब मच्छर काटेंगे, उसका खून चूस लेंगे, पता चल जाएगा उसको याद आ जाएंगी उसको, आप याद जी। आ शहबाज जाएगा। शरीफ हाँ साहब का केस है, जी। हज स्कैंडल है, टेररिज्म का केस है, कराची किलिंग्स का केस है, क्वेटा टारगेट किलिंग्स जरा का केस है। देखो भाई, बेचारे के ऊपर कितना बोझ डाला नन्ही है सी मेरे जान, बच्चे को। तकरीबन ये तकरीबन को 20 के करीब केसेस हैं, जो बहुत बड़े केसेस हैं हमारे मुल्क के। किसी और का फंसे हैं। फैसला नहीं हुआ। नहीं, फैसला नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो कंस्ट्रक्ट या बिल्ट इसलिए किया गया है कि किसी केस का फैसला ना हो। और आज तक जरदारी साहब के खिलाफ बेतहाशा केस बने, मियां बरादरान के खिलाफ केस बने, MQM के खिलाफ केस बने, ये बनाए जाते हैं एक दूसरे को रगड़ने के वास्ते, ये बनाए जाते हैं डीलें करने के। मोने सलाही साहब के खिलाफ केस बना, जब डील हो गई PMLQ से तो वो गवाह मुकर गए कि हमसे तो पुलिस ने जबरदस्ती लिए थे, तो जिन गवाहों ने कहा था कि हमने गलत या पुलिस की वजह से बयान दिए थे, उनको फांसी क्यों नहीं दे दिया आपने? कौम का आपने तमाशा लगाया, एक वक्त ज़ाया किया आवाम का, तो उस पर कोई वजह है कि उन लोगों को सज़ा नहीं मिली? और वो सिस्टम बिल्ट इन भाई है इसलिए। ये मुझे लगभग कुछ ठीक नहीं लग रहा है कौन सा भाई। वाला जे जे सलमान खान भाई, बेटा बात सुनो जी, कहीं मुंह पे वो पे तो नहीं है प्रोग्राम करने आके हमको चुपके से बुला रहे? अम्मा आपने टीवी पे देखा नहीं है पहले? ये हमारे देखा तो हीरो नहीं? हैं, हमारे मुल्क के असल हीरो ये हैं। नहीं, मुझे अच्छा, ओ तो कभी हीरोइन, दो ओ लुटेरे नहीं हीरोइन, है। चुप वापस आ करो ना, जा। मुझे अम्मा से बात ठीक कर लेने दो। तुम क्यों दूध दुनिया की में? बात रह गई, अच्छा दूध। हाँ अम्मा, दूध बड़ा महंगा हो दूध गया। होना अरे ही। देखो ना, इफ्तिखार की याददाश्त इसीलिए तो खराब हो गई, बेचारे को कहाँ आजकल दूध पीने को मिल रहा है इतना उनकी महंगा। उम्र दूध वाली रही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बेचारा अभी मासूम है, तुम लोगों को नहीं पता भाई। तो भाई तुम्हारी उम्र है क्या? उसकी नहीं है तो अम्मा उसी के वाकई जितने बहुत होंगे। लेकिन लेकिन मासूम लेकिन 75 रुपए के हिसाब से तो किसी की भी उम्र नहीं रही, बच्चा भी दूध मुश्किल ही पे। ये क्या बीच में फोन ले रही हो? ले लो। आमिर आमिर आमिर, मैं दादी के साथ बैठी हूँ। दादी इस वक्त इफ्तिखार, आरिफ को और मेरे और फैसल की जान लिए, मतलब नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ समझा करो।
इंडस्ट्री का एक बहुत ब्रिलियंट ब्राइट बच्चा है। सियासी आमिर थे नहीं नहीं और ये वो रात वाला कल जो केस हमने डिस्कस किया था ना फायरिंग जो उसके सिलसिले में उनका कॉल आया था कि मामला सॉल्व हो रहा है। बेचारे हम लोग खुद ही ऐसे मामला सॉल्व कर रहे हैं। उनकी बेगम वापस घर जा रही हैं कि नहीं वो हमारी बिल्डिंग से जा रहे हैं तब मामला सॉल्व हो रहा है। वो खातून को बेचारी को निकाल रहे हैं। जी जी जाहिर है मतलब रोजाना तो कौन फायरिंग अपने ऊपर सहेगा। कल लगी नहीं थी आज अम्मा मेरी कब्र पे आना पड़ता आपको तो अगर लग जाती गोली। ये कमबख्त वो था इसकी तस्वीर देना मुझे जरा। बड़ा खूबसूरत बटान बनी है मैं बताऊंगी इस कमबख्त को इसकी तस्वीर तो ये सारे में इफ्तिखार को दूंगी। अम्मा भी ये जो हाँ। किसी को आप कमबख्त करती हैं ये गाली दे रही हैं क्या कर रही हैं? प्यार है भाई हमारा प्यार है ये जैसे कहें कि इनकी कबर में कीड़े पड़े हैं इनके दुश्मन चले कीड़े पड़ेंगे किसकी कबर में परफ्यूम छिड़क छिड़क के जाएंगे। बहुत इतराता है ये मैं तो इसको देख रही हूँ मुझे तो ये कोई लग रहा है ये ओबामा का बंदा तो नहीं। मैं किसी का बंदा नहीं हूँ पाकिस्तान का बंदा गोरा ओबामा का बंदा कैसे? अच्छा वो छोड़ो सबको नाला कल भी आपने कोई गाना नहीं सुना आज भी नहीं सुना लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है गाने के बजाय जो सियाचिन में हमारा मामला चल रहा है एक नगमा आप दो एक नगमे हो जाएं टाइट के साथ कौन सा एक तो मेरे जहन में आपके जहन में क्या पहले वो हो जाए फिर एक अम्मा बी की मर्जी का होगा एक मेरी मर्जी का पहले पहले मेरी मर्जी का फिर अम्मा की मर्जी का अम्मा की पहले मर्जी चलती है हमेशा जी मेरी माँ हाँ जी वो बेटा बोल है ना भाई वतन के सजीले जवानों वो सुना दो जवानों के अलावा कुछ नहीं सोचता अम्मा आपको आए नहीं भाई कोई गब्बू जवान कोई सजीला जवान आए हाय तुम लोगों को क्या पता हमारे जमाने में जो आदमी थे वाह भाई वाह चल बेटा तुम गाना सुनो इसको छोड़ देते हैं तुमको बातों में उलझाएगा ताकि तुम गाना ना सुनो वतन के सजीले जवान चलिए वतन के सजीले जवान वतन के सजीले जवान सजीले जवान मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं वतन के सजीले ये नगमे बड़े हसीन नगमे हैं और इनको सुन के वो होता ना वो डोज की तरह लेने चाहिए नगमे वो नेशनलिज्म दोबारा जागता है लेकिन उन्होंने बात सही की अभी नारायण ने कि जिनका नेशनलिज्म मर गया है वो नगमों से भी नहीं जागता नहीं जागता वो उन्हीं का जागता है जिनके पास कुछ ना कुछ हया हिस और एहसास लेकिन लेकिन नाला समझती हो कि नेशनलिज्म मर गया है सिर्फ सोया है और किसी तरह जाग जाएगा आई डोंट नो मुझे मैं इतना बड़ा कोई वो राय नहीं दे सकती हूँ लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों को बातें करते सुना मुझे अफसोस होता है। अच्छा ये तो हम मतलब किन 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 लोगों को कहें मेरे सामने दो तरह की मिसालें मौजूद हैं एक वो पाकिस्तानी जो यहीं पैदा हुए यहीं बड़े यहीं उनके आबाव अजदाद रहे हैं यहीं की गवर्नमेंट जॉब से वो ना सिर्फ बहुत कमा रहे हैं बल्कि एक्स्ट्रा ऊपर का भी बहुत कमा रहे हैं कब फ्लरिश कर रहे हैं ज़मीनों पे ज़मीनें लिए चले जा रहे हैं घरों पे घर बनाए जा रहे हैं लेकिन जब आप उनसे बात करें वो या तो कायद को गालियाँ दे रहे होते हैं या इस ज़मीन को गालियाँ दे रहे होते हैं या पाकिस्तान की जो मकसद उस पर उंगलियाँ उस पर ये बहुत बेगैरत है अम्मा क्या कहेंगी मैं कह रही हूँ ये बहुत ही बेगैरत नस्ल है जो जिससे खा रही है उसी को बुरा भला कह रही है। अच्छा ये तो हो गई एक नस्ल एक दूसरी नस्ल भी है मुझे उसका भी नहीं समझ आता वो है बहुत बड़ी तादाद में हमारे अफगान या कुछ दूसरे और लोग जो यहाँ पे बस गए हैं और अब तो मेरा ख्याल में उनकी नस्लें अगर यहाँ पे पलने बढ़ने शुरू हो गई हैं तो उनकी नस्लें भी इसी ज़मीन पे आ गई ना यहीं से खा रहे हैं कमा रहे हैं और आप बात करें ट्रैफिक में वो होते हैं सारा वक्त पाकिस्तान को बदवाएँ गालियाँ पाकिस्तान के लिए बुरी अल्फाज निकालना ये बर्बाद हो जाए मुल्क ये ऐसा है ये वैसा है ये गंदा है ये वो है भाई तो तुम लोग यहाँ पर रह क्यों रहे हो
वैसे मैं हमेशा कहता था कि ये इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, मुल्क मुल्क होता है, लेकिन अब तुम्हारी बात से मैं वाकई सोच रहा हूँ क्या अजीम शान ये मुल्क है कि लोग इसको नोच नोच के खा रहे हैं। हमारे जमाने में तो लोग वाकई बड़ी मोहब्बत करते थे भाई, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हम अपना घर बार सब वहाँ छोड़ कर आए। तुम लोगों को क्या पता यहाँ पे सोफे पे बैठ के जो गुतरगू करते हो। देखिए ये ज्यादती है, ये जो है ना कि हम वहाँ छोड़ के आए तो यहाँ वाले कदर नहीं। अम्मा मेरे ख्याल है सबको कदर है, चाहे वो हिजरत करके आया हो, चाहे कुर्बानी दे के आया हो, चाहे कहीं से, चाहे वो बोरिया बिस्तर लपेट के साथ लाया हो, जिस जहाँ था कदर तो इस मुल्क की है। हमारे जमाने में लोगों के दिल में मोहब्बत थी मुल्क की, अब कदर रह गई है। आई अब वो भी कुछ क्या मोहब्बत है भाई, तुम लोगों को कोई अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। हाँ ये हम मानते हैं, लेकिन उसका रंग नस्ल से ताल्लुक नहीं। मैं नहसुल कौन हमें कदर नहीं कोई भी है, आई वो कोई भी है, किसी मुझे बहुत है, फैसल को बहुत है, आप हमारी बात ना करें। मैंने हमेशा फैसल को सुना अपने मुल्क के लिए अच्छा कहते और सोचते। तो मैं बोलती हूँ ना, इसकी ज्यादा तारीफें नहीं किया करो, ये तारीफों के काबिल नहीं है। आई इसका बम मैं अकेले में बताऊंगी, अभी अभी बात सुनो मेरी, शो से निकाल नहीं निकालेगा। मैं कहती हूँ ना, मैं मना लूंगी। अरे वो तो एक बार हम शो में आ जाए तो हमें निकालेगा कौन? कईयों को निकाल कर आए। अरे तो हमारा शो है, हमारा हाँ। अब तो आप ही का है और क्या। मेरी माँ जाने का वक्त हो रहा है, जाते जाते अगर आप लोग इजाजत दें, मैं चाहूंगा कि इख्तिताम हमें एक और नगमे से करते जाएं। और वो मिली नगमा जिसका आपने कहा था कि मुझे मैंने सुनाना है। हाँ, और वो यूँ सुनाना है कि मैं चाहूंगा कि लोग इसको गौर से सुनें। एक और है वो इंशाल्लाह कल के लिए रखते हैं, लेकिन ये वाला जरूर सुने। इसको सुन के हमेशा कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने सीने में हाथ डाल के ना दिल बाहर निकाल लिया। कौन सा वाला? राहे हक के शहीद। आहा, और ये वो नगमा है जिसके ऊपर हम एक बार वो 6 सितंबर को अपने लाइव जो बांगेदरा शो उस पर बजाया था, धाड़े मार मार के 40 मिनट को ये साहब रोए थे लाइव टीवी पे। काबू नहीं रोए थे कौन? वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, सुन। और 40 मिनट हम रोते रहे और शो चलता रहा। राहे हक के शहीदों, और एक बात मैं कहते चलूं, जब तक एक एक सियाचिन में फंसा हुआ मुजाहिद उसकी हमें गवाही नहीं मिलती कि वो शहीद हो गया है, तब तक वो जिंदा है। और जब वो जाम शहादत कबूल करने का उसका सबूत मिल जाएगा, तब भी ये तो अल्लाह ने वादा किया है कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, और ये असली शहीद हैं और ये जिंदा रहेंगे। बात सुनो बेटा, बातें बना बना के कहीं शो ना खत्म कर देना। इधर अम्मा की फोटो नहीं आए कैमरे में, और अम्मा को ऐसे राय हक के शहीदों के लिए सलाम कीजिए। एक बात के साथ खत्म करेंगे, इन्होंने एक जुमला बोला, असली शहीद। बहुत सारे ऐसे शहीद हैं, अल्लाह कबूल करने वाली तो उसकी ज़ात है, लेकिन जो उसने कहा है, जो शहीद कहलाने का हक रखता है, हम उनकी बात करते हैं और उनके लिए ये गाना सुनते हैं। अच्छा भाई, अभी शो खत्म हो रहा है, हमारी दुआएं दिल से साथ है, हमारी फोटो जरूर आनी चाहिए भाई, और जो है हम बड़े खुश हैं आज इस प्रोग्राम में आके, और हम जो है उनकी दुआ करते हैं कि उन सारे माँ बाप जो है उनके बच्चे सही से वापस आ जाएं, और आप हमें जरूर देखिएगा, ये तो हमारा ही शो है भाई। अच्छा खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। कि हमारी सलाम कहती है, गाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया जाम पी।